अकेला एसटी म्यूजिक को ये भी थोड़ा संभालना चाहिए, कभी आर्टिस्ट को दुखी हो, कोई आर्टिस्ट पुलिस में फंस जाए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई वांट द मॉम्स टू से अ फ्यू वर्ड्स। आप रूपी जी आओ ना, थे दोनों मम्मी आ जाओ, थे आ जाओ, आ जाओ। आई फील सिक्योर, ही इज देयर, जान कैन गो एनीवेयर, आई डोंट इवन वांट टू नो वेयर इज जान, ही इज विद मी कजी। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल, व्हेयर जान सेड वी यूज्ड टू स्टे इन द फ्लैट बिकॉज बोथ ऑफ माई सन्स वर इन यूएसए स्टडिंग एंड हम लोग शिफ्ट हो गए थे एक फ्लैट में। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई बाजार। रियल टैलेंट जैसे जान सच में बहुत चंगा था, एंड मैं चाहता था पहले ये और पॉपुलर हो जाए, लेकिन इस बिग बॉस में जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो फिर मुझे लगा कि वो पॉपुलरिटी भी बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ इसकी जो आवाज़ है। और मेरा क्या होता है कि जब भी मैं किसी को लॉन्च करता हूँ, स्पेशली सिंगर्स को, स्पेशली अभिषेक को, तो मैं हमेशा उनको साथ में मेरे वो ट्रैवल करते हैं। काफ़ी शोज जाने मेरे साथ अभी रिसेंटली करे हैं, एंड बिस्वा बहुत अच्छी एक सिंगर यहाँ बैठी है। You know, Gananay is very good looking and aisa hi kuch expect kiya tha, and I'm very happy for him, for Gurpreet ji, aur Mika ke liye bhi bahut khush hu, Jaan ke liye bhi bahut zyada khush hu. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम वर्किंग ऑन गुड म्यूज़िक नाउ। जैसे कि आप जानते हैं कि अब नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, यू नो पीपल आर वर्किंग ऑन म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड चल रहा है। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम गुड कॉन्टेंट एंड गुड म्यूज़िक जो आपको जल्दी देखने मिलेगा। किन की तरफ से? बस एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई टोकन, उसमें अनूप जलोटा जी भी हैं, और हाल ही में रिलीज़ हुई थिएटर्स में, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छा हो रहा है, गुड म्यूज़िक बन रहा है अभी, एंड आई विल यू नो डेफिनेटली सबको बताऊँगी मैं बहुत ही जल्दी, आई डेफिनेटली शेयर सो। उनको तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, हमने काम करना, मेरी लाइफ का जो पहला काम मैंने किया था वो मीका जी के साथ ही किया था। वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, जो पंजाबी फिल्म था उसका हमने साथ में एक बहुत ही कमर्शियल गाना था जो हमने साथ में किया था, और मैंने पहली बार उन्हीं के साथ कैमरा फेस किया था। तो इतने सालों का एसोसिएशन है, यू नो फैमिली, हम फैमिली जैसे हैं। सो या इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, हमेशा इतने सालों में हम मिलते रहते हैं जिस तरह से, और यू नो इवेंट्स पे भी, इट फील्स ग्रेट। Thank you. Well, I'm psyched first of all to be here after so many years. You know, I've worked so much in the industry as a child actor, but now this is like a stepping stone in my career. I'm getting out of my immense fear, and you know, as an adult actor now. And ये गाना unfaithful ऐसा गाना है जिससे मतलब सब लोग relate कर सकते हैं, जिनका breakup हुआ है, जो relationship में, जिन लोगों ने बहुत experience किया relationship में, वो सब लोग भी ये बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इस गाने को। एंड आई फील लाइक दिस सॉन्ग इज़ गोन हिट एवरी वन इन देयर हार्ट्स लाइक एन एरो, एंड बिकॉज द अफ्लिक्शन एंड द टॉर्मेंट पीपल गो थ्रू, यू नो, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, अनफेथफुल रिलेशनशिप्स, इट्स क्रेजी। एंड लाइक पीपल व्हेन दे वॉच दिस सॉन्ग, दे विल फाइंड आउट दैट द लव ट्राइंगल विच एग्जिस्ट इज सो डिफरेंट देन द यूजुअल लव ट्राइंगल, देन दे विल अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस कैसी होती है। और मैं सो ड्यू टू माई मास्टर्स एंड माई बीकॉम मैंने 2 साल का गैप लिया, एंड देन After that, my mom encouraged me, and she's like, "You gotta groom yourself." So I went to a transformation. I lost 40 kgs in like 2 years, and body banai. And you know, I created that aura for myself. And Mika Paji has always promised me since childhood, and my mom, ki tu jab bada ho jayega na, main tujhe break dunga. And like he's a man of his word, and he has done that. मिका पाजी आप तो सब जानते हैं, इज द किंग मिका सिंह। अब उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एनर्जीज को मैच करना बड़ा मुश्किल है, बट पाजी इज़ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग, तो हम बस उन्हें देखते गए और करते गए उनके साथ। और रही बात जान की, जान इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, मतलब उसकी आवाज़ में एक सच्चाई है, एक दर्द है,
और वो समझ आता है. यू कैन फील इट, यू कैन फील द एनर्जी. मैं आप प्रमोट करने जाएंगे बिग बॉस के घर पे सलमान सर, तो मीका सर और सलमान बहुत ही करीबी दोस्त. वो तो है, वो तो बारे में आप लोग जाने वाले के सलमान सर के घर. फ्रेंड्स, माय मॉम सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ कोर्स, एंड इन सबको लेके आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई फील अमेजिंग. आई फील लाइक you know, I feel like Goku. I'm taking the energies and I'm feeling confident. Yeah. देखिए, फिलहाल तो मैं अहमद जी को असिस्ट कर रहा हूँ, अहमद खान जी को, और उनसे बहुत सीखने को मिला मुझे और अभी भी सीख रहा हूँ मैं. और मैं उनकी एक अपकमिंग मूवी के लिए असिस्ट कर रहा हूँ ऑफ कैमरा, और उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है. सो सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आई विल मेक एवरीवन प्राउड वन डे. आई लाइक बिग बॉस, आई लाइक स्प्लिट्स विला, आई लाइक खतरों के खिलाड़ी. सो दैट्स माय पिलर, गुरप्रीत कौर चन्ना, माय वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग हियर, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस. हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज बींग अ सिंगल पेरेंट मेरे लिए ये सपने जैसा है. एंड अपनी तरफ से मैंने सारी लाइफ बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है, और आज वक्त आया है कि सबको मेरे बेटे को हेल्प करनी है. एंड बिग थैंक्स टू माई फ्रेंड पारुल चावला फॉर यू नो टुडे गणेश हेयर यू ऑल आर हेयर. एंड इंडस्ट्री में अगर आपके पास टैलेंट और फोकस है तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता. एंड इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे फैमिली फ्रेंड मीका जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गणने को दी है. बड़े टाइम बाद, बीच में गैप के बाद छोटे होते से उनके साथ मिलता रहता था, बट जब जैसे बड़ा हुआ उनको मिलने गया तो ही सडनली सेड वाओ यू आई एम साइनिंग यू. सो टुडे वी आर हियर, ही इज अ बैकबोन, अ पिलर टू अस. बिग थैंक्स टू हिम आल्सो. थैंक यू मैम. सर ने बोला कि जब वो दो साल बीच में वो ड्रॉप था तो आपने काफी उन्हें सपोर्ट किया, यू आर द पिलर ऑफ बिहाइंड ऑफ सक्सेस, क्या कहना चाहोगे? सो जैसे मैंने बताया कि हम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिंगल पेरेंट, तो मेरा फोकस सिर्फ यही रहता है कि मेरे बच्चे दुनिया में कुछ करके जाएं, कुछ नाम कमाएं. एंड कोविड के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था कि हमारे पास बहुत टाइम था अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का. सो कोई भी जिम्स ओपन नहीं थे, कुछ भी नहीं था. सो हम सब टेरेस पे वर्कआउट्स करते थे आपस में. गनन्ने का एक टाइम था कि ही वॉज वेरी प्लम्प चाइल्ड, मतलब इसने 35 kgs लूज़ किया है. एंड बहुत कोशिश की मैंने, और एक ही चीज़ समझाई कि लोगों के पास सब कुछ होता है बट उनके पास टैलेंट और शक्ल ही होती है. तो अगर ऊपर वाले ने तुम्हें किसी चीज़ से नवाजा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए. टेक योर बॉडी एज योर टेम्पल एंड इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाओ और ग्रूम करो अपने आप को. दैट्स व्हाट आई डिड. जान तुम्हें लॉन्च करना है, और साथ में ये हमारा हैंडसम हंक रियो, रियो चड्ढा, इसको भी बोला कि लॉन्च करेंगे करेंगे. तो फाइनली आज अच्छा दिन आ गया कि हमने बहुत ही प्यारा गाना इनके लिए बनाया, बहुत रोमांटिक लव ट्रायंगल गाना है, जिसके अंदर यही हमारे हीरो हैं, ये हमारी हीरोइन नाकिया, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं एसके. आज गाना लॉन्च हो रहा है, बहुत प्यारा गाना है, एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा. एज यू कैन से तीनों यंगस्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं. सो मेरी शुभकामनाएं इनको, कीप रॉकिंग. देखो, हम फिलहाल तो टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एनी यू नो, उम्मीद है नहीं हमें कुछ कि हमने उनसे कुछ लेना या देना है. सेम आई एम एसके भी मेरे साथ है, बट हमारा है कि चलो हमारे जरिए कोई लॉन्च होता है तो वाई नॉट, बिकॉज जान इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छा गाता है, ऑलरेडी बिग बॉस में बहुत छाया भी रहा है. आज इसकी गर्लफ्रेंड आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई, नाम मैं लूँगा नहीं. नहीं नहीं. एंड रियो हमारा अपकमिंग स्टार है, गुड लुकिंग बॉय, एंड दिस इज गॉर्जियस नाकिया. He is the producer. ये मीका जी हमारे बड़े ब्रदर हैं,
और मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक फील्ड में कि हमारे गार्डियन, और अभी उन्होंने बोला कि नहीं वो टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं जैसे हम करें, पर एक बात बहुत बड़ी फ़र्क है हमारे करने में और मीका सर के करने में, क्या है कि हम एक नई कंपनी है, हम अपने आप को ग्रो करें, तो हमारी ग्रोथ करने के अंदर में हम किसी टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इन्हें जिस स्टेज पर है, लेजेंडरी सिंगर है, लेजेंडरी वॉइस है, कंट्री के आइकॉन है, इन्हें वो करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके बाद में भी अगर ये कर रहे हैं तो इतना बड़ा मन होना बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी बात कि हमेशा जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं साथ में। बहुत सही बोला। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स बिन अ व्हाइल, फर्स्ट मेट दादा व्हेन आई वाज 13। दादा मींस ये बड़े भाई को बोलते हैं, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, हाँ ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ, और मैं दादा को हमेशा दादा ही बोलता हूँ बिकॉज ही इज़ नॉट ओनली माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई गाइड, माई मेंटोर, मैंने बहुत सीखा है। एंड पहली बार 13 साल की उम्र में जब मैं मिला था दादा से, उनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मैं किन का बेटा हूँ, उन्होंने ऐसी बातचीत की मेरे साथ, उनको पता चला कि मैं गाना, यू नो आई एम अ सिंगर, मैं गाना गाता हूँ, तो उन्होंने वहाँ से ही वो मुझे एक अपने रिकॉर्डिंग के लिए लेके गए थे एंड जहाँ पर मैंने सीखा था, एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और दादा ने तभी मुझे बोला था कि बेटा आप बड़े हो जाओ, आप अपने आप को तैयार करो, मैं आपको, मैं भी छोटा था जब ये 13 साल का था, मैं भी तो 50 साल का नहीं था नहीं 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 बिल्कुल नहीं। एंड दादा के बारे में कुछ बोलना, आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल कुछ बोलने के लिए, मगर मैं ये बोलूँगा कि जैसे सिद्धार्थ सर ने बोला कि इनको कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए किसी के लिए, मगर जो ये बोलते हैं वो ये ज़रूर करते हैं। एंड 13 साल की उम्र में इन्होंने मुझे एक प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मुझे शायद याद नहीं था, बट 15 साल बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड इट्स विथ दादा बिकॉज ऑफ हिम। सो आई वांट टू से दैट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू यू, इतना प्यारा गाना है गाया। Very, very, like Jean said, he genuinely keeps up to his promises. So he did promise and he did keep up to it. This month is a very special month for me. It's my birthday month. And I think this is the best gift that he can give me, a launch of such an amazing song. So he's been very supportive from the beginning. He's been a great mentor. And he's also just an amazing person to have in your life. When people compliment him, there's a lot of genuinity to it. So yeah, thank you. I'm psyched, honestly. I think he's a powerhouse and whenever he enters, it's like a banging energy, you know, from universe that comes with him. And जब मैं छोटा था मेरे को ये मिले थे और इन्होंने मुझे हमेशा हार्डवर्क करने के लिए एनकरेज किया है बहुत, उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाइक ही इज़ लाइक द स्टेपिंग स्टोन इन माई करियर। एंड इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो निभा दिया एंड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, सेवा करना इनका कर्तव्य है और ये सबसे ज़्यादा करते हैं। नहीं पर ये इसमें दम है, ये लड़का पूरा छोटा डर देते तो लग रहा है भैया करना पड़ेगा। ह्यूज जैकमैन हॉलीवुड, बस यार थैंक यू सो मच, बट मेरा मैं जैकमैन तो नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छे अच्छे सिंगर्स को जैक कर लेता हूँ, हाई जैक कर लेता हूँ। आप सुपरमैन हो? यस। So I was also launched by Mika Paji, इन्होंने मुझे host की तरह launch किया, उससे मेरी acting शुरू हुई और जो मेरा career रहा है, I've been seeing Nakia from day one, I have also seen Jan, you are the new entrant into the club, but बहुत कम लोग होते हैं इस industry में जो outsiders को मौका देते हैं, और उससे भी ज़्यादा कम लोग होते हैं जो outsiders को मौका देते हैं और ऐसा launch देते हैं without any obligation, without any pressure, without any godfather, you know. कहते हैं जिनके फादर नहीं होते उनके गॉड फादर होते हैं। सो आई छोटी मुँह बड़ी बात क्या ही मैं बोलूँ, आई थिंक ही इज़ गिवन अस दिस काइंड ऑफ अ लॉन्च पैड। इंडियन आइडल होता है, फेम गुरुकुल होता है, वॉइस होता है, सबको पता है कितनी मेहनत लगती है कहीं से भी आके, एंड टू बी स्पॉटेड बाय अ स्टार हिमसेल्फ, एंड वो भी नहीं कि वेटरन स्टार, रेनिंग स्टार जो करंटली खुद बैक टू बैक शोज कर रहे हैं, जो करंटली आई एम श्योर जान इनके साथ शोज करते हैं, तो जो मिका बाजी का जो पूरा ऑडियंस है और जो क्राउड है, यू नो जब मैंने अपना जिंदगी का पहला शो किया था, मैंने राहत फतेह अली खान साहब और मिका बाजी के साथ किया था, पर नोबडी इन मॉल्टीज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट, तो एक नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो जब
जान शोज करता है तो जो मेकअप आजी का ऑडियंस है उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। नहीं 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 तो तब सारे अंदर आओ। हाँ यार देखो मेरे ही तरफ से तो हम अपना अच्छा करते हैं कि यू नो जैसे जान बहुत अच्छा गाता है, आई एम श्योर सभी को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इज अ सुपर टैलेंटेड गाय, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और वही है कि एक मिडास टच देना होता हमें, हम कोशिश करते हैं कि यार एक अच्छा गाना मिले। और द सॉन्ग इज कम्पोज बाई ये सूफी, एक सेकंड आजा, इस लड़के ने ये गाना कम्पोज करा है, वेरी गुड राइटर कम्पोजर सिंगर आल्सो, इसको मैंने यही बोला था कि वन डे, अब अच्छी बात है कि वन डे में सबका इस सारे कवर हो गए हैं। मैं तो ये कहूँगा पाजी के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर तरह से, मतलब जुलाई बहुत मेरे लिए कठिन था, आई हैव लॉस्ट माय फादर, एंड मीका पाजी जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए, हमारे पूरे परिवार के साथ, वो कमाल है मतलब, और जिस तरीके से हम सबको ये लॉन्च कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच मीका, यू बीन ऑलवेज ग्रेट एंड अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैं कहूँगा सर, कह रहे थे फ्रेश टैलेंट होता है तो थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, पर सबसे बड़ी बात उसमें ये होनी चाहिए कि आप जिनके साथ भी कर रहे हो आपको सबसे पहले उनमें फेथ और बिलीफ पूरा होना चाहिए, और फेथ और बिलीफ उसके टैलेंट में होना चाहिए। नॉर्मली लोग वो हो जाते हैं कि जब फेथ और बिलीफ में जाते हैं फिर उसको व्यवहार के ऊपर तोड़ना शुरू कर देते हैं, सो आपको उससे बचना चाहिए, मैं हमेशा उससे बचता हूँ, क्योंकि जब नए बच्चे होते तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, बट उनसे बड़ा बच्चा पड़ता है, और वो प्रैक्टिस बनने के लिए, और इनके जैसे आइकॉनिक लोग हैं ये हमारे इंस्पिरेशन है, इनके इनका लाइफस्टाइल और इनका तरीके को जो समझ सकूँ, कि मैं सर के बारे में मतलब मैं ये भी एम जी कृष्ण दो से सुरेश ने इनका पहला एल्बम किया था, मेरा पहला एल्बम था 2001 में, सो मैं तब से इनकी लाइफ को और इनके तरीके को पहचान रहा हूँ, सो जब ये बिलीव करते हैं तो पूरा बिलीव करते हैं, और उस बिलीव के ऊपर चाहे वो आदमी खड़ा ना रहे ये जरूर खड़े रहते हैं। सो किसी को लॉन्च करना हो तो आपको जब उसका मेंटर बनना है तो पहली क्वालिटी वो होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड में लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन कि हमने इनसे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं, एक प्यार है बस, ये प्यार हमारा बना रहे, एंड अगर हमारे जरिए थोड़ा सा किसी का भला होता है आई थिंक वो शुड डू दैट। बाकी इनकी किस्मत है, इनका लक है, और डाउन टू अर्थ रहेंगे तो मेरी तरह स्टार बनेंगे, वरना फिर गायब भी हो जाएंगे। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अंदर ना मेरे सारे, इन्होंने 2000 जब से जुरासिक पार्क आई है ना, कौन आया डायनासोर, उस जमाने से ये वीडियो बनाते आ रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है, 2000 वीडियो बनाए हैं, हनी सिंह से लेके सारे बड़े बड़े वीडियो उन्होंने शूट करे हैं, और इसका सरप्राइज ये है कि लोगों को एक एक वीडियो मिलता है, आज इसको 3 दिन वीडियो मिले, थ्री वीडियोज में, एंड 2 वीडियोज में हमारी नाकिया है, और हमारे डायरेक्टर एक ही हैं, सारे मेरे वीडियोज यही बनाते हैं। देखो जी, पंजाब में मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन बॉम्बे में मुझे बड़ा बनाने वाले वन एंड ओनली मीका सिंह, और इनके लिए एक ही बात है, जो ये कहते हैं पक्का करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल करते हैं, मतलब क्या ना, आज तो स्पोर्ट के नाम पे लोग ऑनलाइन आके लाइव बोलते हैं, हाँ ये गलत है ये सही है, हमें करना चाहिए, शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं करते, यही बोलना चाहूंगा मैं अंदर भी बोलूंगा कि देखो एक ही काम से हमने कितने लोगों को हम लॉन्च कर सकते हैं, लाइक द राइटर कंपोजर इज हियर सूफी, देन वी हैव वीडियो डायरेक्टर, 2 अच्छे प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं, खूबसूरत मॉडल हैं, एक सिंगर है हमारा प्यारा सा जान कुमार, ये लड़की एक्टिंग करने आई थी, मैंने बोला तुम एमसी शुरू करो बिकॉज ये बोलती बहुत अच्छा है तो तुम्हें होस्टिंग करनी चाहिए, अभी इनके पास एक BMW भी है और एक अपना खुद का फ्लैट है, तो ये विद इन 3 ईयर्स मैं बता रहा, तो यही है कि अगर आप मेहनत करते रहो तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने एक्टर सिंगर तो बना दिया, मुझे और भी कुछ लॉन्च कर दो वो अंदर चलते भी चले बारो जी तो शुक्र आ जाओ अंदर चलते आ जाओ।